वेलकम टू दृष्टि। आई एम निवेदिता राजे। क्लैट 25 का सैंपल पेपर 2 रिलीज किया गया है, जिसमें सीआर के और जीके के क्वेश्चंस हैं। वेल, द लेंथ ऑफ द पैसेजेस इज नॉट एज मच, बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज नॉट एज इजी। एक डिफिकल्ट और मॉडरेट के बीच का पेपर है, और वो बच्चे जो एकदम अभी तैयारी करने बैठे हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, सीआर के क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे पैसेजेस हैं लेकिन डीप बहुत हैं। मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स इन द पैसेज विच आर नॉट एक्सप्रेसली गिवन, बट द ऑथर इज ट्राइंग टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरी फ्यू वर्ड्स। तो इस वजह से पैसेजेस जो हैं वो डिफिकल्ट हैं। यू नो, द पैसेज इज नॉट एज लॉन्ग, इट इज नॉट टेलिंग यू एवरी थिंग। देर आर सर्टेन अजम्पशंस दैट यू नीड टू मेक। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू इज इन नॉट एज मैनी वर्ड्स। ये एक टास्क है, और ये तभी आता है जब आप एक अच्छे रीडर होते हैं। इसलिए पहले दिन से एम्फोसाइज किया जाता है, जब आप क्लैट की तैयारी के लिए बैठते हैं, कि पढ़िए, रीड करिए, रीड एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट इज वेन यू कैन डेवलप दिस हैबिट। ये ओवरनाइट डेवलप होने वाली हैबिट नहीं है। जब आप पढ़ते रहते हैं, तो आपको लाइन्स में वो चीजें भी नजर आ जाती हैं जो कि लिखी नहीं गई हैं। ये पेपर कुछ कुछ उसी बेसिस पे। तो शुरू करते हैं। मैं इसे इस तरह से सॉल्व करूंगी, मतलब मैं इस अजम्पशन पे इसे सॉल्व कर रही हूँ कि आप इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, या आज नहीं आया है इसे आए हुए का टाइम हो गया है। राइट, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। यू नीड टू बी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला पैसेज है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे है, एंड द की फोकस इज द अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द ग्लोब। दैट इज द की फोकस ऑफ दिस एंटायर पैसेज। जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है पैसेज, तो बहुत ईजी भी नहीं है। दूसरा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ह्यूमन राइट्स को लेकर है, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है, तो वो आपको इस पैसेज को डिसाइफर करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप वो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लगातार, यू हैव यू नो यू कॉन्स्टेंटली रेड देम, यू हैव मेड नोट्स, दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड, वेरी डिफिकल्ट पैसेज फॉर यू। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से पैसेजेस आ सकते हैं जीके में, लीगल रीजनिंग में, यू नेवर नो। ठीक है, हालांकि सैम्पल पेपर इस चीज को बिल्कुल कंफर्म नहीं करता कि किस तरह का क्या सवाल आएगा, लेकिन एक सर्टेन आइडिया और एक सर्टेन हिंट को लेने में कोई बुराई नहीं है। इंटरनेशनल जो सिचुएशन है इस वक्त काफी अलग है, पेक्यूलियर सी है, बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आते हैं सीधा। सेंट्रल आइडिया, मैं की फोकस तो आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। खैर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज नॉट अ सिंगल आर्ग्यूमेंट दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक, इट इज द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज को किस चीज पे लिखा गया है, जैसे बहुत सारे जानवरों को यूज करके कहानी बता दी, ठीक है, और कहानी का अंत आपको कुछ मॉरल दे रहा था, मॉरल ऑफ द स्टोरी, दैट इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया है। इसका सेंट्रल आइडिया था ह्यूमन राइट्स और उनका वायलेशन, यही है, बहुत ही सिंपल, मैंने पहले ही कहा, आंसर भी यही होगा। आंसर देख लीजिए क्या है, कौन सा, मतलब क्या क्या ऑप्शन हैं। ह्यूमन राइट्स अब्यूज प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड एंड द नीड टू इम्प्रूव इट, दिस इज द एक्चुअली करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। टू बी श्योर, एग्जिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इनइक्वालिटीज, टॉर्चर एंड मेनी सच मिसहैप्स, नो नॉट व्हाट इज द आइडिया ऑफ द पैसेज। Ignorance towards the right of the women and children into it to today's world not even discussed in the passage. Differences between developed and underdeveloped countries in terms of incidence of abuse of human rights, again not the theme of the passage. Theme वही है, human rights violation, और इस theme को suggest करता हुआ एक ही option है, क्या है वो, A, ये होगा हमारा सही answer. ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट होल्ड सिग्निफिकेंस व्हेन एन अब्यूज इंडेक्स ऑफ इट डिफरेंट कंट्रीज इज प्रिपेयर्ड। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, मैम अब्यूज इंडेक्स जैसे किसी इंडेक्स की तो पैसेज में नहीं बात की, ये किस तरह का सवाल है। अब अगर आप पैसेज को समझ गए हैं तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ह्यूमन राइट्स इंडेक्स किस चीज पे बेस कर रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द अब्यूज दैट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स इस चीज को नहीं इंडिकेट कर रहा कि किस कंट्री में कितना ऑब्जर्वेंस है ह्यूमन राइट्स का,
वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि किस कंट्री में कितना वायलेशन है ह्यूमन राइट का, कितना अब्यूज है। तो अगर उसे हम अब्यूज इंडेक्स से रिप्लेस कर देते हैं, अब्यूज को उसका एक सिनोनिमस वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो गलत तो नहीं होगा, राइट? इसी को क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों एकदम पैसेज से आए, ये जरूरी है, ठीक है? ये टेस्ट करता है आपका अटेंशन टू डिटेल, अ स्किल दैट कंसोर्शियम रियली वांट इन इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है? बहुत जरूरी है। लीगल फ्रटर्निटी में आप चाहे कोई भी जॉब पकड़े, चाहे आप जज बने, चाहे एडवोकेट बने, कुछ भी आप बन जाए, इवन रिसर्चर फॉर दैट मैटर, यू नीड टू पे अटेंशन टू एवरी डिटेल। ये कानून है, लॉ है। एक टू और एंड से पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है। जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, तो आपको बेयर एक्ट पढ़ते वक्त ये समझ आएगा। एक छोटा सा टू, एक छोटा सा एंड, छोटा सा इन बिटवीन, छोटे छोटे प्रेपोजिशंस कंप्लीटली चेंज द मीनिंग, राइट? तो अब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरह की फोकस के लिए जरूरी है कि बच्चा पहले से ही उस स्किल को डेवलप रखे, राइट? अगर आप बहुत एविड रीडर हैं, तो ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। कुछ बच्चों को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। स्किल चाहिए, क्योंकि लीगल फ्रटर्निटी में जरूरी है। एक लीगल प्रोफेशन को आप तभी जस्टिस के साथ कर सकते हैं जब आप फोकस्ड हैं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं। आजकल की जनरेशन की एक प्रॉब्लम है ये, है ना, डिस्ट्रैक्शन। 2 सेकंड से ज्यादा एक पोस्ट तक रुकते नहीं है वो लोग। तो यही प्रॉब्लम है जिसको कंसर्शन पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई द पैटर्न चेंज कम्प्लीटली इन 2020। सो अब्यूज इंडेक्स बेसिकली इज द ह्यूमन राइट्स इंडेक्स दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ओवर एंड ओवर अगेन, ओके? तो स्टूडेंट्स हु गॉट कंफ्यूज, नाउ यू शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब इसका आंसर क्या था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट होल्ड सिग्निफिकेंस व्हेन एन अब्यूज इंडेक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज प्रिपेयर्ड, वेयर अ कंट्री स्टैंड इन टर्म्स ऑफ वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। ये नहीं है अब्यूज का इंडेक्स, मतलब ये सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में कंट्री किस पोजिशन पे स्टैंड करती है। ये पैसेज में नहीं है। नॉट ओनली इज कंट्रीज परफॉर्मेंस इन ह्यूमन राइट वायलेशन, बट ऑल्सो द आइडिया दैट राइट्स वर डेसेक्रेटेड, ये भी नहीं है, सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करता। एटलीस्ट the extent of tasks performed by the concerned authorities to stop the violation, इसका तो जिक्र ही नहीं है पैसेज में, तो ये है ही नहीं ऑप्शन। the kind of rights they were violated, that were violated, किस तरह के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये डिटरमाइन करेगा आपकी रैंकिंग, राइट? पैसेज में दे रखा है ये, और यही होगा आपका आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ओके? क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रेज लिटर्ड विद एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेशंस मींस, इसका सिंपल सा एक आंसर हो सकता है डी। बहुत ज्यादा पॉन्डर करने की कोशिश नहीं करनी है इन क्वेश्चंस पे, एक बार कंफर्म कर लें, पैसेज पढ़ लें, नहीं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन जो कि मीनिंग्स इंग्लिश थीम है इसका, इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, अगर आपको इमीडिएटली मीनिंग समझ आ गया है उसको देखते ही, तो कुछ भी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, यू मार्क दैट वो सही आंसर होगा 100%। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल हैं और पैसेज की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत इन्फर कर लें, राइट? सो इफ यू कैन डिफाइन और अंडरस्टैंड द मीनिंग जस्ट बाय लुकिंग एट इट, आई वुड सजेस्ट दैट यू इमीडिएटली चूज दैट ऑप्शन एज योर आंसर, ठीक? लिटर्ड, प्लेग्ड, मशरूमिंग, ये सब सिनोनिम्स हैं, सॉरी, ओके? तो सिंपल आंसर डी है इसका, बहुत, वी आर नॉट गोइंग इन टू टू मच डिटेल। अब आता है सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज देखने में बहुत छोटा है, बट दैट इज व्हाट द इंटायर आइडिया ऑफ दिस सैम्पल पेपर इज। टू मच मीनिंग इन वेरी फ्यू लाइंस, राइट? दैट्स व्हाट मेक्स दिस पेपर डिफिकल्ट टू मॉडरेट। इसलिए ये पेपर इजी नहीं है। बहुत कम लाइंस में ऑथर ने बहुत कुछ कह दिया है, और कंसर्शियम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो बहुत कुछ समझ भी जाए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, द सुपर पावर्स मे क्लेम टू हैव द सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये क्वेश्चन का थीम पहले डिस्कस कर लेते हैं, करप्शन और कॉमनवेल्थ पे था। पॉलिटिकल करप्शन और मल्टी रेशियल कोऑपरेशन इसका की फोकस है पैसेज का, ठीक? जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मॉडरेट टू हाई है, मतलब इट वुड बी मॉडरेट फॉर अ चाइल्ड हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट इट विल बी quite difficult for a child who has just started preparing,
ठीक है, तो सब्जेक्टिव भी होता है ना पैसेज का जो लेवल होता है। दूसरा, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी क्योंकि इन्वॉल्व है इसीलिए ये बहुत इजी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इट विल बी अ ट्रिकी पैसेज इवन फॉर दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगा तो अपने आप को ये ना कहें कि अरे मेरी तो तैयारी ही नहीं है ना, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, पैसेज है ट्रिकी। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सुपर पावर्स में क्लेम टू हैव द सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव्स, बट अब इस स्टेटमेंट को हमें पूरा करना है। अकॉर्डिंग टू व्हाट पैसेज इज सेइंग, डू नॉट वर्क अर्नेस्टली टू अचीव देम। क्या पैसेज ये बात कह रहा है? नॉट रियली। अंडू ईच अदर्स अफेक्ट एफर्ट्स, क्या पैसेज इस चीज को डिफाइन कर रहा है? स्टेटमेंट को पढ़ के देख लो। सुपर पावर्स का सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव है, ये लाइन दे भी रखे हैं यहाँ पे, इसको पढ़िए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया आर परसुइंग कॉमन एम्स इन वर्ल्ड अफेयर्स, है ना, यही है कॉमन लॉडेबल, सेम लॉडेबल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि पीस, डिसआर्ममेंट, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल एज फ्रीडम, बट इट इज नॉट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग थिंग्स विच माइट लीड टू द डिस्ट्रक्शन और नियर डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ये है स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट को आपसे क्वेश्चन पूरा करवा रहा है। इन अदर वर्ड्स, सो द सुपर पावर्स मे क्लेम कि उनके ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन उनको वो बट उन सेम ऑब्जेक्टिव्स के बाद भी वो ये नहीं देखते कि उनके एक्शन से मैनकाइंड डिस्ट्रॉय हो रही है। ये पैसेज में कहा जा रहा है। ठीक है, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को कह रहा है। स्टिल एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, पर इट, ये है इसका आंसर। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कॉमनवेल्थ इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? द फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू, ये तो अपने आप में एक स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है, आंसर तो हो ही नहीं सकता। द रेशियल नेचर ऑफ इट्स मेंबरशिप वर्क फॉर सेम गोल्स, नॉट रियली, राइट। यूनिफॉर्म लैक ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, दिस इज व्हाट द आंसर इज। प्रॉब्लम जो है कॉमनवेल्थ का, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि सबके मॉरल स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं इतनी सारी। सी इज द करेक्ट आंसर एज पर द पैसेज। ओके चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थ्रस्ट ऑफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इज दैट द कॉमनवेल्थ हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, इज दैट द थ्रस्ट ऑफ ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? एब्सोल्यूटली नॉट। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ बी रेस्ट्रिक्टेड टू सुपर पावर्स, इज दैट द थ्रस्ट ऑफ ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? काइंड ऑफ यस। मेंबर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नॉट रियली। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन आर अनअटेनेबल, एब्सोल्यूटली नॉट। तो पैसेज को पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है वो सुपर पावर्स पे रेस्ट्रिक्ट हो गई है, वही चला रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर। ओके द ड्रामेटिक ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म ओवर द पास्ट 50 ईयर्स हैज बीन ड्रिवन बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अब ये थर्ड पैसेज जो है वो इंटरनेशनल टूरिज्म की ग्रोथ पे है और की फोकस है कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज और टाइप्स ऑफ टूरिज्म जो है वो किस तरह से एक्सपैंड हुए हैं ओवर द टाइम। ठीक है, दिस इज द पैसेज। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड पैसेज नहीं है, मतलब इजी है, द कॉम्प्लेक्सिटी इज क्वाइट लो। एंड इफ यू यू नो इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस। बहुत ही आसान था ये पैसेज, इनफैक्ट सारे पैसेजेस में मुझे ये सबसे ज्यादा आसान लगा। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, आई एम सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ टूरिज्म हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन? कल्चरल, हेरिटेज, इको, इन तीनों की ही बात की गई। ठीक है, पैसेज में तीनों की बात की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो। ओके, अब आप पैसेज को, आप मैंने बताया ना कि मैं मान के चल रही हूँ कि आप पैसेज सॉल्व कर चुके हैं या इसे सॉल्व कर चुके हैं, तो आई एम ओनली टेलिंग यू द आंसर्स। पैसेज हैज टॉक्ड अबाउट ऑल थ्री, सो ऑल ऑफ दीस इज गोइंग टू बी योर आंसर। दो ही क्वेश्चन थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन द फैक्टर
बिहाइंड द ड्रामेटिक ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑन इंटरनेशनल ऑफ होना चाहिए यहाँ पे। कोई बात नहीं, कंसोर्शियम भी करता है ये गलतियां छोटी छोटी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अ फैक्टर बिटवीन द ड्रामेटिक ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म ओवर द पास्ट 50 ईयर्स? इंक्रीज इन वेल्थ, फ्री टाइम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड ट्रांसपोर्ट। द पैसेज इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, ठीक है? पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स। इंटरनेशनल टूरिज्म के 50 साल में बढ़ने की जो फैक्टर्स हैं वो ये तीनों ही फैक्टर्स हैं। लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, समय भी ज्यादा हो गया है, अब उतना स्ट्रगल और कॉम्पिटिटिव उतना स्ट्रगल नहीं है, ठीक है? और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज बिकम रिलेटिवली कन्वीनियंट। इसकी वजह से लोग ट्रैवल करने में इससे पहले इतना ज्यादा सोचते नहीं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर इन दिस ऑल्सो। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ये पैसेज इंडियन डेमोक्रेसी और उसकी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। दिस इज व्हाट द थीम ऑफ द पैसेज इज एंड द की फोकस इज द कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया। जैसे पैसेज का थीम ये है कि इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है? वेर एज वेस्टर्न वेस्ट में ये इंडिविजुअल बेस्ड है। तो दैट इज व्हाट द पैसेज इज, दिस इज द की फोकस ऑफ द पैसेज। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी हाई थी क्योंकि डेमोक्रेसी और सोशल आइडेंटिटी के बीच में एक सर्टेन इंटरप्ले था। तो मैं यही कहूंगी कि जिन बच्चों को रीडिंग से डर नहीं लगता उनके लिए पैसेज बहुत मुश्किल नहीं हो सकता था। इसको सॉल्व करना भी इतना मुश्किल नहीं था इफ अ चाइल्ड इज यू नो अ गुड रीडर। सो दिस इज व्हाट इट इज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पैसेज, मतलब कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट नहीं है। पैसेज अपने आप में कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट है। क्वेश्चंस वर नॉट एज डिफिकल्ट, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मीन इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट? ओके, कंसोलिडेशन ऑफ ग्रुप एंड क्लास आइडेंटिटीज, डेमोक्रेटाइजेशन ट्रांसलेटेड एज ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, डेमोक्रेटाइजेशन इज ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटमाइज इंडिविजुअल्स इन पब्लिक स्फेयर। अब इसकी पहली लाइन को पढ़ो पैसेज की ना, रीड द फर्स्ट लाइन। ओहो, वेस्टर्न लिबरल कॉन्टेक्स्ट, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इनवेरियबली लीड्स टू कंसोलिडेशन ऑफ लिबरल वैल्यूज। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेटाइजेशन इज ट्रांसलेटेड इन टू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल नॉट एज इंडिविजुअल्स विच इज अ स्टेपल टू लिबरल डिस्कोर्स बट एज कम्युनिटीज ऑफ ग्रुप। तो दिस इज लिबरल डिस्कोर्स में इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इंडिविजुअल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द पब्लिक स्फेयर्स नॉट एज एटमाइज इंडिविजुअल्स बट एज मेंबर्स ऑफ प्राइमोर्डियल कम्युनिटीज ड्रॉन ऑन रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटी। ये इंडिया की सिचुएशन है, ये जो स्टेटमेंट है इट इज टॉकिंग अबाउट वॉट इज परसिस्टिंग इन इंडिया। वी आर नॉट एटमाइज एज इंडिविजुअल्स, वी आर एक्चुअली मेंबर्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज विच आर फॉलोइंग सर्टेन और विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन कास्ट आइडेंटिटीज और रिलीजन। हम एज अ होल चलते हैं, किसी कास्ट पे या किसी रिलीजन को अपना पूरा का पूरा ग्राउंड मान के। लेकिन वेस्ट में जो एटीट्यूड है वो लिबरल है, वहां पे इंडिविजुअल्स हैं, जो जितने भी लोग हैं वो अपनी वैल्यूज में इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रखते हैं। वो उनकी सोच अपनी है, उनका रिलीजन अपना है, वो सब कुछ भी नहीं। ये सब जो हमारे यहाँ जो ग्राउंड्स हैं एज कम्युनिटी जो डेवलप कर दिए गए हैं वो वेस्ट में नहीं है। दे हैव अ लिबरल डिस्कोर्स, दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। अभी इसी लाइन के बेसिस पे आप आंसर को निकाल सकते हैं। ये इंडिया की सिचुएशन है जहाँ पे द पब्लिक स्फीयर इज नॉट एज एटमाइज्ड इंडिविजुअल्स। ऑल्दो इन वेस्ट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में मीन्स दिस, ठीक है? डेमोक्रेसी का डीपनिंग वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में यही मीन करता है और यही आंसर भी होगा सी। गॉट इट, दिस इज व्हाट द आंसर इज। मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, डेमोक्रेसी और सोशल आइडेंटिटी का इंटरप्ले है। तो पैसेज को समझना अपने आप में एक टास्क हो सकता है, हर बच्चे की लिए तो ये इजी नहीं होगा। चलो आ जाते हैं अब। ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया हैज नॉट
has not necessarily led to what? Delusion of caste, dilution, sorry, dilution of caste and communal identities in public sphere, absolutely not. ठीक है, it has, no, it has actually led to, wait, let me read the question once again, मैं भी कंफ्यूज हो गई. Greater democratization in India has not necessarily led to dilution of caste and communal identities in public spheres. Irrelevance of community identity as a governing force in Indian politics. Marginalization of elite groups in society. Relative unimportance of hereditary identities over class identity. So, B is the right answer. Greater democratization in India has not necessarily led to irrelevance of community identity. मतलब community की identity अभी irrelevant नहीं है और अभी भी वो Indian politics में governing force है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही. ओके, तो ये it is not what greater democratization has led to and that is why B is the correct answer. अब passage को जिसने गौर से पढ़ा है उसे समझ आ गया होगा कि ये option मैंने कैसे निकाला है. Question number 11. What is the silent revolution that has occurred in the Indian democratic process? Irrelevance of caste and class hierarchies in political processes? No. Illusioning of social strictures in voting behavior and patterns? Absolutely not. Social change through transfer of power from upper caste elites to subaltern groups. This is what a silent revolution is. पैसेज में इसकी बात साफ साफ की गई है, तो बहुत ज्यादा भटकने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. पैसेज इज क्वाइट क्लियर ऑन व्हाट द आंसर शुड बी एंड दिस इज व्हाट द आंसर इज. ओके, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैसेज पे. ये भी काफी छोटा सा ही पैसेज है. मेरिटोक्रेसी और सोसाइटी पर है. मेरिटोक्रेसी एंड इट्स अफेक्ट ऑन सोसाइटी. इसमें इसके बाद फिर बहुत सारे जीके के भी क्वेश्चन थे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं सीधा. आई एम नॉट रीडिंग द पैसेज, छोटा सा पैसेज है बट द कॉम्प्लेक्सिटी मेरे हिसाब से इज मॉडरेट. हाई भी हो सकती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू की है. जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव होती है कॉम्प्लेक्सिटी. बाकी यू नो सोसाइटल इश्यूज पर एक क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपकी है, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे हैं तो एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है जो कि इस तरह के पैसेजेस को सॉल्व करने में बड़ा काम आता है. तो आप इसे बड़े आसानी से समझ भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं. सो विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. कौन से पैसेज को ध्यान में रखते हुए या पैसेज को पढ़ के आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट को अज्यूम कर सकते हैं सेफली, क्योंकि डायरेक्टली पैसेज के जो ऑथर है उनके लाइन ऑफ थॉट से अलाइन कर रहा है. दैट इज व्हाट इट इज. कौन सा अजम्पशन है जो कि सेफली ऑथर के आर्ग्यूमेंट के साथ अलाइन करेगा. दैट इज व्हाट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन सीक टू आस्क. पढ़ लेते हैं. इंस्पायर्ड बाय द मेरिटोक्रेटिक आइडियल मेनी पीपल आर कमिटेड टू अ व्यू ऑफ द हायरार्कीज ऑफ मनी एंड स्टेटस. इज दैट एन अजम्पशन दैट वी कैन मेक बाय रीडिंग द पैसेज. द आंसर इज नो, वी कैन नॉट. ठीक है. इंस्टेड ऑफ बीइंग एन आइडियोलॉजी ऑफ इमेंसिपेशन इक्वालिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी meritocracy reflects a new form of oppression, inequality and alienation. Which of the above two assumptions are valid? ये भी नहीं है, ये है assumption. Instead of being an ideology of emancipation, equality, meritocracy reflects a new form of oppression. It is not an assumption based on passage. Right? So ये ना तो first ना ही second statement को हम passage के according assume कर सकते हैं. So the answer should be neither one. Nor to. D is the correct answer. ठीक है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. 8 out of 10 ऑफ द रिचेस्ट Americans owe their wealth to their talent, not to inheritance. Rewards may be distributed according to talent. Passage seems to argue. क्या पैसेज क्या argue कर रहा है, मतलब पैसेज क्या argue करता हुआ दिखाई दे रहा है. That is what it is. ठीक है. तो 8 out of 10 ऑफ द रिचेस्ट अमेरिकन्स ओ देयर वेल्थ टू देयर टैलेंट नॉट टू इनहेरिटेंस. ये पैसेज आर्ग्यू नहीं कर रहा है इस बात को. रिवॉर्ड्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू टैलेंट, हाँ इस पे बात कर रहा है पैसेज. दिखाई दे रहा है कि इसका कुछ जिक्र है पैसेज में,
Meritocracy has now taken on the form of an inheritance? No. This is also not the passages seemingly arguing. So what is the passage concentrating or talking about? Rewards may be distributed according to talent. This is what the passage is arguing about. ठीक है, तो ये है इसका आंसर. ये थे सारे के सारे आंसर. ये सीआर का पैसेज था, सीआर के क्वेश्चन थे. बाकी के जितने भी क्वेश्चन है 14 से लेकर द रिमेनिंग क्वेश्चन वर ऑल जी के क्वेश्चन. ठीक है, तो पढ़ लेते हैं. अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हाउ आर दीज क्वेश्चन कमिंग, मतलब हमने नहीं पढ़े. अगर अगर आपने डायरेक्टली अच्छे से समझ के गाइडेंस में तैयारी की है तो आपको इनके जवाब आते होंगे. इन क्वेश्चंस को आना था, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये क्लैट 25 में भी आ सकते हैं. जब आप एक प्रोग्राम में होते हो या किसी मेंटोर से पढ़ रहे होते हैं तो मेंटोर समझता है कि जीके में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या पूछा जा सकता है कंसोर्शियम द्वारा, और इसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है. ठीक है, जैसे ये दृष्टि के सिलेबस में या मैनुअल में ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, तो बच्चे जो हमारे दृष्टि के हैं उनको ये क्वेश्चंस के आंसर देने में मुश्किल नहीं हुई होगी. और जो बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ लें कि भाई आपका एक रेस्ट्रिक्टेड सा अप्रोच, जहाँ पे आप सिर्फ वो पढ़ लेते हैं जो आपने, या फिर वो याद करते हैं जो आपने पढ़ा है, जीके के लिए काफ़ी नहीं है. यू नीड टू टच ऑल फोर कॉर्नर्स वाइल रीडिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, उसके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्यों इम्पोर्टेंट थे और ये कहाँ से आए इसमें मैं नहीं जाऊंगी. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे, मतलब दे वुड बी आस्क्ड. हमारे मॉक्स में भी इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है. तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट. आसान है, देखो अगर भाषा को तोड़ो तो माझी इज अ मराठी वर्ड. ठीक है, तो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना इज, मतलब माझी इज अ महाराष्ट्रियन वर्ड, इट्स अ मराठी वर्ड, तो महाराष्ट्र का ही होगा ये. इसका आंसर भी यही है, इट्स अ महाराष्ट्र न्यूज. ठीक है, महाराष्ट्र की न्यूज है. 23 जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को, जिसमें 1500 रुपये दिए जाने थे लड़कियों को, महाराष्ट्रीय योजना थी. अब ये न्यूज में क्यों है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, रिसेंटली इन न्यूज. टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग द चिल्ड्रन एजेड 6 to 14. नो, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट इज to provide food to 9 to 12 students, not really. To provide free laptop to college, no. To support the states and UTs in promoting literacy among non-literates aged 15 and above. ये है New India Literacy Program का primary objective, यही है. ठीक है, to support the states and UTs in promoting literacy among non-literates aged 15 and above. आप मान के चलिए कि जीके में सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा एलेट के पैटर्न पे है, लेकिन कंसर्शियम ने इसके थ्रू आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे. इसलिए एक जो स्कीम है या कोई योजना है या कोई पॉलिसी है, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है, वो किस स्टेट में आया है, किस मिनिस्ट्री से आया है, सिर्फ ये काफी नहीं है. वो क्यों आया है, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया है, वो कहाँ आया है, उसका प्राइमरी गोल क्या है, वो कब तक के लिए आया है, ये सारी की सारी, मतलब यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जीके में सिर्फ वो पढ़ के याद कर लेना जो लिखा हुआ है काफी नहीं है. जो नहीं लिखा हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए और वो आपके नोट्स में भी होना चाहिए. जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तब आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी परेशान नहीं करेंगे और आप ये भी सवाल नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आए. समझे? ओके, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गिव मनी टू गर्ल स्टूडेंट्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स. तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेट थी मध्य प्रदेश, और 300 रुपए हर लड़की को पर एनम देने की बात की गई है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए. ठीक है, मध्य प्रदेश वॉज द स्टेट. अब इस पे ना बहुत ज्यादा There are some things that I would like to focus on again.
दीज आर जी के क्वेश्चंस। अगर आपने पढ़ लिया आपको याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो द प्रोबेबिलिटी इज कि आपको याद नहीं आएगा, तो आप उसे छोड़ दीजिए। इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट सेक्शन, इधर यू नो एन आंसर और यू डोंट नो एन आंसर, देर इज नथिंग इन बिटवीन, देर इज नथिंग यू कैन डिराइव फ्रॉम, नॉट एट ऑल, नॉट इवन फ्रॉम द पैसेज। अगर आपको लगे कि जो क्लैट है उसमें तो पैसेज आएगा शायद, जीके से, जीके का आंसर मैं पैसेज से डिराइव कर सकूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जीके में आपके जनरल नॉलेज को या आपके जो करंट अफेयर्स की अवेयरनेस है, इट इज नॉट रियली टेस्टिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, इट इज टेस्टिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर अवेयरनेस। डू यू आर यू अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट? सो दिस इज वॉट द टेस्ट इज। और अगर आप अवेयर हैं लीगली एंड इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, देन यू कैन वेरी वेल इजिली अटेम्प्ट दिस सेक्शन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए सेफली, नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, राइट? सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ क्वेश्चन, जस्ट लीव इट। ये जो अपने लक को टेस्ट करने वाला जो एटीट्यूड होता है कुछ बच्चों का, वो बहुत गलत है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से दे एंड अप लूजिंग मार्क्स, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज पे फर्क पड़ता है। नीला कुरिंजी प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? इसका आंसर है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अमन चरावत, हु वन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, इज एसोसिएटेड विद विच प्रो स्पोर्ट्स? अब ये सबको पता होना चाहिए, पेरिस ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ओलंपिक्स। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स, तो इसलिए इस पे किसने क्या जीता है स्पेशली इंडियन सिटीजन आपको पता होना चाहिए। तो ब्रॉन्ज मेडल अमन शरावत जी को रेसलिंग में मिला है। ठीक है, अच्छा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एम पॉक्स नोन एज मंकी पॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज बाय विच पैथोजन? इट इज कॉज बाय वायरस। इट्स अ वेरी क्या कहेंगे इसको, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारी वायरल डिजीजेस हैं। ठीक है, देयर कॉज बाय वायरस, डीएनए वायरस कॉज करता है इसको। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इतना काफी। व्हाट इज वक्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो रिसेंटली क्यों है न्यूज में वक्फ? क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 जो है उसमें अमेंडमेंट की बात चल रही। ठीक है, तो 1995 में हुआ था लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था इस एक्ट में, इट वॉज इन 1995। नाउ दे आर सीकिंग टू अमेंड इट वंस अगेन इन 2024, एंड दैट इज द रीजन वाई वक्फ इज इन न्यूज। अभी वो अमेंडमेंट क्या है ये तो सबको पता होना ही चाहिए, है ना? लेकिन वक्फ अपने आप में क्या है, क्या है ये वक्फ? बाबरी मस्जिद केस में इन्वॉल्व था और कितने बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन ये इस बॉडी का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बॉडी है क्या, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन फोर कॉर्नर्स, इट इज कॉल्ड एन एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। वक्फ क्या है? प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस, गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी डेडिकेटेड फॉर पर्सनल टेम्पररी डोनेशन? नो, द करेक्ट आंसर इज ए, प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। ठीक है, चलिए। एडम्स ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेपरेटेड बाय विच टू वॉटर बॉडीज? एडम्स ब्रिज को कॉमनली आप राम सेतु के नाम से जानते होंगे, यही है एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो राम सेतु जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार और पॉक स्ट्रेट के बीच में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, विच कंट्री इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू डेवलप नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलके एक बहुत बड़ा नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? तो ये करंट न्यूज है और इसका सही जवाब है वियतनाम। वियतनाम के साथ मिलके इंडिया जो है इस तरह इस म्यूजियम को क्रिएट कर रहा है, जो कि लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। अच्छा, विच कंपनी हैज लॉन्च द हेल्थ साथी प्लान एट 35 पर मंथ फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? द करेक्ट आंसर हियर इज पेटीएम। दीज आर ऑल करंट न्यूज, ये सब चल रहा है न्यूज में, न्यूज पेपर में, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है।
Which organization has launched Sampurnata Abhiyan aimed at holistic development in India's challenging regions? अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है वो है नीति आयोग। ठीक है, तो 5 ईयर का प्लान है, 2027 तक चलेगा, यही इसका आंसर भी है। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ पीएम्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम? पीएम्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम, अब इसका आंसर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। आई वुड वॉन्ट द स्टूडेंट्स टू राइट द आंसर इन द कॉमेंट्स बिलो। ठीक है, ये बहुत ही, व्हाट शुड आई से, दीज आर सम क्वेश्चंस दैट शुड हैव बीन नोन बाय यू, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें चर्चा में रही, न्यूज में रही, बार बार इन पे बात हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही थी, देयर इज नो पॉलिटिकल डिबेट बीइंग कंडक्टेड ओवर दीज काइंड्स ऑफ स्कीम्स एंड एवरीथिंग, लेकिन इस तरह की जो स्कीम्स, पीएम्स के इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव जो होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो हर कंपेटेटिव एग्जाम में जरूरी होते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से सबने क्या आंसर मार्क किया है, कितनों ने सही किया और कितनों ने सही नहीं किया। अगर आपने ये आंसर गलत किया है तो उसे मार्क करिए कि मैम मुझसे ये आंसर गलत हो गया, और जिन बच्चों ने सही किया वो मुझे बताएं कि उन्होंने सही मार्क किया, और सही ऑप्शन भी बताइए। ओके, दैट इज अ टेस्ट स्मॉल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के कुछ विंग्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आते आते भी सवाल, नहीं आते हुए भी सवाल आ ही जाता है, यू नेवर नो कब क्या लाइमलाइट में है, कब क्या न्यूज में है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, यूनाइटेड नेशंस एनीवे काफी हाईलाइटेड है, तो उसके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एंटिटीज के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, दिस इज समथिंग दे शुड नो। राइट, इसका सही आंसर रोम है, रोम में है इसका हेडक्वार्टर। विच कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? द करेक्ट आंसर इज भील्स। ओके, इंडिया के पूरे 100% ST पॉपुलेशन में 38% भील्स ही हैं, मेजोरिटी इनकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा जैसी जगहों पे है। बाकी जो सेकंड हाईएस्ट कम्युनिटी है वो है गोंड्स की, देयर अबाउट 26% गोंड्स। दिस इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया। ओके, चलिए इन इंडिया अप टू व्हाट एज आर वर्किंग चिल्ड्रन क्लासिफाइड एज चाइल्ड लेबर? ये भी तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, आर्टिकल 24 की बात है, वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट कर रखी है एक सर्टेन एज तक, कौन सी एज है वो, 14 साल है ना। तो बीइंग अ लॉ एस्पायरेंट स्टार्टिंग टू बी अ लॉयर इज समथिंग दैट यू शुड ऑल नो, दिस इज द आंसर। अब आ जाते हैं, आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेट्स आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप श्री कृष्ण गमन पथ, श्री कृष्ण गमन पथ न्यू रिलीजियस सर्किट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। द करेक्ट आंसर हियर इज राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये दो स्टेट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं श्री कृष्ण गमन पथ को तैयार करने के लिए। ओके, रिसेंटली न्यूज में है। विच कंट्री वॉज अफेक्टेड बाई टाइफून शानशान रिसेंटली? अभी ये अगस्त का इंसिडेंट है, अभी ही हुआ ये सब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में टाइफून शानशान रिसेंटली आया था और बहुत ज्यादा तबाही मचा गया। द कंट्री वॉज जापान। जापान, ताइवान, चाइना में ही इस तरह के फिनोमिनाज को टाइफून कहा जाता है, इंडिया में टोर्नेडो कहा जाता है, यूएस में आई थिंक हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं। जापान इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम ओवरऑल लेकर चलें तो जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है पेपर, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप कुछ टाइम से तैयारी में थे तो आपके लिए भी ये बहुत आसान नहीं रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है, इट इज, यू नो, इट इज नॉट एन ईजी पेपर फॉर एवरी वन, सो इट इज नॉट जस्ट यू हु
माइट हैव स्कोर्ड अ लिटिल लो, इट वुड बी एवरी वन. कुछ बच्चे एक्सेप्शनली गुड होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में और उनकी रीडिंग स्किल भी बड़ी अच्छी होती है, तो उनका स्कोर हाई रहा होगा. बाकी अगर एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलें तो दिस वॉज अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर. बाकी आपको अपनी जो रीडिंग है उस पर ध्यान देना है, पैसेज के सटल डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. रीडिंग इज अ स्किल स्किल दैट यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट. ठीक है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, ये इम्पेरेटिव है, ये आपको आपके पास होनी ही होनी चाहिए. स्पीड एक्यूरेसी ओवर टाइम डेवलप होती है जब आपने बहुत सारे मॉक्स दे दिए होते हैं और यू नो डेवलप्स ओवर टाइम. सो नाउ इट यू माइट नॉट बी एबल टू क्रिएट और डेवलप द स्किल एज एफिशिएंटली, बट यू कैन स्टिल ट्राई. उतनी स्पीड और एक्यूरेसी तो नहीं आ पाएगी, बट आप क्वालिफाई कर लें इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे. मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी. मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट एज मैनी पैसेजेस एज पॉसिबल इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? तो आई होप मैंने क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व हुए ये समझा दिया है. बाकी अगर कोई भी और परेशानी है तो आप अपने कमेंट्स में लिख के हमें बता सकते हैं. वी शैल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक सब अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय.